हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है मेरी बाइक से, तो व्यू में आनी हुई है, बताता हूँ। बाइक मेरे साथ यहीं पे खड़ी है। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है जो मेरी बाइक का ABS है। आपको याद होगा मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट करी थी, मैंने मेरे ABS डिसेबल कर दिए थे पूरी तरह से। मैंने ABS मोटर तक निकाल दी थी, मैंने बताया था आपसे, वो काम तो अलग किया था मैंने। तो उसकी वजह से मेरा स्पीडोमीटर वर्क नहीं कर रहा था, मैंने प्रायर वीडियो में बताया था और कई बार उन कमेंट भी आए हैं। तो एक्चुअली मेरा स्पीडोमीटर वर्क नहीं कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एक तो हम मेरे स्पीडोमीटर को एक्टिव करेंगे और दूसरा मैं प्रॉपर वे बताऊंगा कि आप किस तरह से बाईपास कर सकते हो और आपको कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट एक्स्ट्रा ब्रेक होस तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, दो चार नट बोल्ट आपको परचेज करने पड़ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ABS बाईपास कैसे कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे एक हार्ड लाइन है, तो ये जो पाइप है बेसिकली वही पाइप है जो हमारा यहाँ से अंदर इधर से अंदर जाता है ABS पंप तक, जो ABS पंप इसकी टंकी के यहाँ पे नीचे सेट है। तो ABS पंप जो हमारा है वो कि फ्यूल टंक के नीचे होता है, तो ये वही पाइप है जो मेन पाइप आता है ABS पंप से हमारे कैलिपर तक। तो ये पाइप इनफ लंबा होता है कि ये इसमें सेट हो जाए। अगर आप चिंता मत करो, अगर आपका रैली एडिशन है ना भाई, ये पाइप तब भी इतना लंबा होता है कि तुम इजीली इसको नीचे से डायरेक्ट ऊपर लगा सकते हो। और ये इतना अच्छा पाइप है, मतलब बहुत मजबूत है। और यहाँ पे तो आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाती है, यहाँ से कभी हिलेगा भी नहीं सीरीज से। और मैंने इसको राउट कुछ ऐसे किया है कि यहाँ से जो मेरा कैलिपर मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर से मैंने डायरेक्ट बाहर रखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ से सस्पेंशन के अंदर इन कर दिया और फिर उसको पीछे से घुमा के सीधा नीचे ले आया हूँ मैं वहां तक। तो तुम देख सकते हो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है, आप ABS से डायरेक्ट पाइप निकालो और डायरेक्ट कर दो। मेरे जो क्लच लीवर और जो मास्टर सिलेंडर है वो मेरा बजाज का है, मतलब बजाज जो बाइबरी का पार्ट यूज करता है, जो भी है, तो ये बाइबरी के पार्ट्स हैं। मेरे को जो हीरो का निसन का आता है वो मास्टर सिलेंडर अच्छा है, नो डाउट, पर उसके जो लीवर्स और उसकी जो फील थी ना, तो वो तो मुझे थोड़ी सी लाइट फील होती थी, तो इसलिए मैंने ये बजाज का, मैं ये तो मैंने बाइक लेते ही शिफ्ट कर दिया था आई थिंक पहले महीने के अंदर अंदर ही, तो ये चीज़ तो मैंने डायरेक्ट कर दी थी। तो अभी ये डायरेक्ट ब्रेक लाइन ऐसी है कि डायरेक्ट नीचे तक, और भैया इसकी फील भी इतनी अच्छी आती है। जो हमारी ABS मोटर होती है टंकी नीचे होती है, और ABS को बंद करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आप यहाँ से ये सेंसर हटा सकते हैं अपना, ये हमारा ABS का सेंसर होता है आपकी व्हील की रोटेशन को चेक करते रहने के लिए। आप एक ही सेंसर हटा के भी डायरेक्ट ABS बंद कर सकते हो, पर अगर ये सेंसर हटाओगे तो आपका स्पीडोमीटर चलना बंद हो जाएगा। और एक्सपल्स में एक बड़ी दिक्कत ये है कि स्पीडोमीटर के साथ साथ इसकी गियरिंग भी शो होना बंद हो जाती है। हाँ जी, तो मैं बता रहा था ना आपको कि एक्सपल्स में ये बड़ी दिक्कत है कि जैसे आप इसका नीचे सेंसर का वायर हटाओगे तो इसका स्पीडोमीटर और साथ साथ जो गियरिंग इंडिकेटर है वो दोनों काम करना बंद कर देंगे। ऐसा ही होता है जब हम फ्यूज से बंद करते हैं ABS को, तब भी ऐसा ही होता है। हाँ, रैली वाली में नए ऑप्शन आ गए हैं, उसमें तीन स्विचेबल ABS के ऑप्शन हैं, पर उसमें फिर भी ABS डायरेक्ट मोटर से कनेक्टेड तो होता ही है, तो फिर भी उसमें डायरेक्ट एक जो डायरेक्ट मिलता है ना कैलिपर, मास्टर सिलेंडर से डायरेक्ट कैलिपर आने वाला फीड जो होता है वो फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट बाईपास है, ये डायरेक्ट आपका कैलिपर समा जाता है। ABS काफ़ी बाइकों में बहुत अच्छा काम करता है, मैंने बहुत अलग अलग बाइकें चलाई हैं, मैंने पुरानी हिमालयन चलाई थी, मैंने नई हिमालयन भी चलाई है, दोनों में ABS बहुत अच्छे से एकदम मस्त वर्क करता है। मेरे पास पहले RS भी थी, बजाज पल्सर RS, उसका भी ABS बहुत अच्छा चलता था, हालांकि मेरी तो 2018 मॉडल थी, तो उसमें ABS भी थोड़ा पुराने टेक्नोलॉजी का था, बट उसमें भी बहुत अच्छा ABS चलता था। ABS की कभी कोई शिकायत नहीं आई मुझे उस बाइक में भी, और मैंने और भी कुछ बाइकें चलाई हैं उनमें भी ABS काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा आता है। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो जो एक्सपल्स के ABS हैं अभी नए वाली जो रैली एडिशन आई है उनमें अगर ABS की इशू ठीक है तो हो गए होंगे, नहीं तो उनमें भी इशू है, तो भाई एक्सपल्स में ABS बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता, ना इसका फीडबैक आता है ना और कुछ। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि मेरे को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब ये लगा लो मैं 10 से 12 साल से चला रहा हूँ, और मैंने बाइक चलाना भी नॉन ABS से स्टार्ट किया था, तो इसकी मदद से मुझे कि मैं भाई नॉन ABS हैंडल इजीली कर लेता हूँ। अगर आपको ABS नॉन ABS चलाने की आदत नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस करें, या तो आप फ्यूज से अपने ABS बंद कर सकते हैं। जब तक आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ना हो आप ABS को मत हटाना, क्योंकि भाई न्यू जनरेशन के लिए ABS यूज़ होना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोग कई बार गलतियाँ कर जाते हैं, अनवांटेड सिचुएशन में भी बहुत हार्ड ब्रेक पुल कर देते हैं जिसकी वजह से
टायर स्किड हो जाते हैं, तो ABS बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट एक्सपल्स में इतना इंपॉर्टेंट, एक्सपल्स मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपल्स लेने वाले लोग सब एडवेंचर पीपल्स हैं और एडवेंचर कैटेगरी में ABS वर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते हैं। हाँ जी, तो हमारा फ्यूल टैंक आ गया है बाहर, जो कि यहाँ रखा है। उसके पीछे इस साइड का पैनल है, वहाँ पे सीट और वो रखे हैं इस साइड का पैनल। तो अभी हमारी बाइक कुछ ऐसी लग रही है जैसे इसका वस्त्र हरण कर लिया गया हो। सो ये ABS मॉड्यूल की जगह है। हाँ जी, तो आप जो अभी मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये हमारा ABS का जो ब्रेक ऑयल पम्प है, तो यही है जो पूरे सिस्टम में ब्रेक ऑयल को कंट्रोल करता है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो मैंने जो किया है, मैंने ये पाइप वाला सिस्टम नहीं किया, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइप इसमें फिट नहीं हो रही ठीक से। तो अगर पाइप लगानी है तो आपको रबड़ लाइनिंग पाइप चाहिएगी, हार्ड लाइनिंग पाइप इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों बोल्ट बहुत क्लोज हैं और वहाँ पे इतनी जगह नहीं कि पाइप अच्छे से आप फिट कर पाओ। तो मैंने जो किया है, मैंने ये किया है कि जो इनपुट और आउटपुट इसके होल्स हैं प्रेशर के, मैंने उनमें एक शॉर्टर बोल्ट लगा के उनको परमानेंट सील कर दिया है। हाँ जी, तो बोल्ट लगाए क्लोज करने एक क्लोज सॉल्यूशन नहीं है। आप चाहो तो मतलब इस पे एक जो ब्रेक की रबड़ वाली पाइप आती है हमारी, जो नॉर्मल सस्ती वाली होती है, जो एक्सपेंड हो जाती है, रबड़ पाइप रहती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एक शॉर्टर पाइप ले लेना, दोनों होल्स को पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देना और पाइप में थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड डाल देना, ताकि ABS मोटर अपना पंपिंग वर्क करती रहे। तो वो भी आप कर सकते हो चाहो तो, और फिर आपका ब्रेक लाइन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा ABS से। तो ABS की जो पंप है हमारा, मैंने उसकी वायरिंग लगा दी, उसकी सेटिंग कर दी उसने। अनफॉर्चुनेटली पाइप को भी सेटअप कर नहीं पाया, तो अभी मैंने ऐसे ही लगाया है। अगर ABS डायरेक्ट चल जाएंगे मेरे, मतलब मेरा स्पीडोमीटर चल गया, तो मैं एक बार झटपट होकर टैंक ऊपर करके उसमें दो बोल्ट लगा दूंगा, बेसिकली उसके होल्स को पर्टिकुलरली सील कर दूंगा। तो अभी हमारे दोनों साइड के पैनल लगाते हैं, सीट लगाते हैं और चलते हैं इसको बाहर लेके।
हाँ जी, तो बाइक हो गई पूरी तरह से पैक और अभी कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा, फर्क दिखेगा वॉशिंग के बाद। और मैं स्पीडो को तो मैं खैर थोड़ी स्पीड से ही फोन से भी कैप्चर कर लूंगा आपको दिखाने के लिए। आई होप बस स्पीडो चल जाए, क्योंकि मैंने नीचे भी एबीएस सेंसर की वायर लगा रखी है और इधर भी मॉड्यूल सेट कर दिया, तो उसको मतलब वो तो आ ही जानी चाहिए तक रीडिंग्स। तो चलो इसको बाहर लेके जाते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ ऑन रोड। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैसे हमारे पंप लगाने के बाद एबीएस का और सेंसर वगैरह हमने सेट कर दिया, बाईपास हमारा हो चुका था मैंने जैसे समझाया, तो अब अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी एबीएस की लाइट ब्लिंक करनी चाहिए, ना कि वो कॉन्स्टेंट ऑन रहनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं एक बारी। तो अभी ये कॉन्स्टेंट ऑन है और अभी ब्लिंक करने लग गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एबीएस बाईपास का सेक्शन था वो पूरी तरह से ओके हो चुका है। हमारा पंप भी वर्क कर रहा है, वो सेंसर तक सिग्नल सारे भेज रहा है और हमारा ऑलरेडी बाईपास तो पड़ा ही है, डायरेक्ट पाइपलाइन है हमारे पास। तो अभी ये कि इसकी वजह से क्या है कि हमारा स्पीडोमीटर चल पड़ेगा और साथ साथ हमारा गियर इंडिकेशन भी शो होने लगेगा। हाँ जी, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बचाओ थोड़ा सा पार्ट भी देखते चले जाना, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब के लिए। तो मैंने अभी आपको सारा सिस्टम समझाया, मैंने अपना एबीएस बाईपास भी किया, हमने एक्सपल्स का स्पीडोमीटर भी चलाया, क्योंकि एक्सपल्स के साथ ये बड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि इसका स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता है। और नए वाले तो खैर पीछे एक और ये आपकी स्पीडो सेंसर की लिंक आ गई है, पर मैंने उस पर कभी टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो ये है हमारा V2 वेरियंट है, फॉर्मी में तो काफ़ी चेंजेस आ गए थे, तो पर ज़्यादातर लोगों के पास V2 है क्योंकि पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा V2 ली थी और काफ़ी लोगों का इसके ब्रेकिंग को लेके इशू रहता है। और तो सीन ऐसा है कि भाई देखो, ABS काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर एक्सपल्स में ABS मतलब मेरी स्टॉक एक्सपल्स के साथ भी ABS कभी मुझे अच्छे से फील नहीं हुआ चलाने का, और इसमें इशू बहुत सारे हैं, एटलीस्ट V2 वेरियंट्स में तो बहुत सारे इशू थे। तो ये मेरा सॉल्यूशन था, उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लगी है, ब्रेकिंग बहुत इनहेंस हो गई है ऑन द स्पॉट, मतलब जितना हम लीवरेज प्रेशर देते हैं ऑन द स्पॉट मुझे फील होता है कि हाँ अपनी बाइट जा रही है, अच्छी बाइट आ रही है ब्रेक्स पे। अगर आप किसी और बाइक पर ट्राई कर रहे हो तो भाई मैं ये कहूँगा कि या तो किसी मैकेनिक के से अच्छे सलाह ले करें, और आपको अगर अच्छे से नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि मुझे तो बाइक से काफ़ी नॉलेज है, मैं कई सालों से खुद अपने आप से बाइक पर वर्क भी करता आ रहा हूँ। हाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे न्यू हो तो, और भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।